बर्बादी झेलने को मजबूर है। कोल निर्माण फैक्ट्री से उड़ने वाले केमिकल की जर्द रहवासियों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। एक और जहां ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं केमिकल की जर्द उनके लिए कई बीमारियों का सबब बन रही है। घरों के आंगन में जमती यह कालिक यहां के निवासियों की बीमारी की वजह बनती जा रही है और ग्रामीणों को दमा, घुटन और अंधेपन जैसी बीमारियां होने लगी है। गांव के नेशनल हाईवे के पास बनी डामर फैक्ट्री, दरअसल फैक्ट्री में उड़ती केमिकल युक्त राख गांव तक पहुंचती है और यह राख ग्रामीणों के लिए नासूर बनती जा रही है। ग्रामीण महिलाएं बताती है कि इस राख की वजह से पूरे गांव का जीना दुश्वार हो गया है। बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं और घरों में कालिक जम रही है जो खाने में भी पड़ती है और उड़ती राख से आंखों में जलन, सांस लेने की परेशानी के साथ साथ घुटन जैसी बीमारियां गांव वालों को होने लगी है। क्या नाम है? निशा नौरिया। निशा किस गांव में रहती है? बहर पे। क्या दिक्कतें हैं, आंखों में जलन होती, क्या 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 मामला है? पढ़ते हैं तो आंख में धूल घुस जाती है, तो उससे जलन, वो जलन सी होती है, थोड़ी देर तक जलती रहती है, फिर दवाइयाँ करवानी पड़ती थी उसकी वजह से, फिर डॉक्टर ड्राप वराप देते हैं तो थोड़ी ठीक हो जाती हैं। क्यों होती है ये? क्या मालूम सर, वो क्या है जो प्लांट की, अब जब से जो धूल उड़ रही ना उसकी वजह से। कितनी दिक्कतें हैं? दिक्कत तो बहुत सी हैं, घर पर भी धूल जम जाती है, कपड़ों पे कपड़े भी गंदे होते हैं, खाने में भी धूल पहुँचती है, थोड़ी खांसी भी, और इसके कारण से तबीयत भी खराब हो जाती है, और ये दादी माँ की भी तबीयत खराब हो जाती है धूल उड़ने के कारण। अब वो लोग तो परमानेंट यहाँ पर रहते हैं, हम लोग तो ऐसे स्कूल भी चले जाते हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या नाम है? निशा नौरिया। सड़क निर्माण के लिए बीते 8 साल पहले 2013 फरवरी माह में प्लांट लगा गया था। इस तारकोल फैक्ट्री की वजह से ग्रामीणों को हर समय मुंह पर कपड़ा बांध कर रखना पड़ता है, शायद उन्हें विकास की कीमत चुकाने पर मजबूर होना पड़ रहा है और उनके हिस्से में गंभीर बीमारियों का शिकार होना आया है। तभी तो शिकायतों के बावजूद 8 साल से यहाँ निर्माण कार्य बखूबी चल रहा है, जिसकी यह त्रासदी पूरे गांव को झेलनी पड़ रही है। गांव के सुशील बताते हैं कि हम मरीज बनकर रह गए हैं। नागपुर में पिछले 2 सालों से इलाज करा रहे हैं, विधायक से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा ही कुछ हाल गाँव के दूसरे मरीज भाइयों का भी है, जो आकर बिस्तर पकड़ रहे हैं। सांस की बीमारी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो किसी को दमा, खांसी, तो किसी को आंखों में जलन की वजह से आंखों का अंधापन होने लगा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी किसी न किसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। प्रशासन को शिकायतें भी की गई, बावजूद उसके आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चिकित्सा जगत से जुड़े डॉक्टर भी मानते हैं कि तारकोल निर्माण से जो धुआं निकलता है वो बेहद ही घातक होता है, उसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे फेफड़े संबंधी रोग से ग्रसित होकर मरीज परेशान होते हैं और लंबे समय तक संपर्क में रहने से ये और अधिक घातक सिद्ध होता है। क्या नाम है, किस गांव में रहते हैं? मेरा नाम कौशल साहू है। किस गांव में? इसी बहर में। कौशल जी बताएं, कितनी दिक्कत है ये? इससे तो जब चलता है तो भोजन भी नहीं कर पाते, और इसमें जब चलता है तो पेट में दिक्कत होती है, आँखों में जलन होती है, और कई प्रकार की बीमारी हो रही है यहाँ पर, खुजली भी होती है। गांव में से कितने लोग हैं जो इस प्लांट के जर्द से बीमार पड़ चुके हैं? कम से कम 40-50 आदमी। क्या दिक्कतें आती हैं उनको? यही, किसी को बुखार आ रहा है, किसी की आँखों में जलन हो रहा है, किसी की लाल आँखें हो रही हैं, उल्टी भी हो रही है किसी को, दमे वगैरह की भी शिकार हो, जी सांस लेने में दिक्कत जी, इससे किडनी में असर आ रहा है, इससे किडनी लीवर में। कभी कोई शासन ने मदद नहीं की, कोई प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। शिकायतें भी की होंगी? जी। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ अभी तक। कितने बार शिकायत दे चुके हैं? 5 बार। आज तक कोई अधिकारी नहीं आया? कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या नाम है आपका? कौशल साहू। सर, लिंगा पंचायत के बाद बहर गाँव है, वहाँ पर वहाँ के बासिंदे नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं, इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वो जो डामल का प्लांट है उसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत आ रही, पूरे घरों में डामल जल रही, बच्चे आंखों में जलन हो रही है, बहुत सी तकलीफें सामने आ रही हैं। ये शिकायत मेरे नॉलेज में आई है, मैंने SDM को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं, जैसी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर कार्रवाई करेंगे। सर, लिंगा की बहर गाँव पंचायत में एक गिट्टी क्रेशर और डामल प्लांट चल रहा है, क्या उसकी परमिशन वगैरह ली गई है? हाँ, गिट्टी क्रेशर तो उधर में कोई लगे नहीं हैं,
डामर प्लांट की मैं देख लूँगा, परमिशन कई लोगों को है, कई नहीं भी है, जिनकी नहीं है उनके केस बना रहे हैं हम, लगातार कार्रवाई हो रही है, उसका नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर 8 सालों से चल रहा है, गिट्टी क्रेशर भी लगा हुआ है, वहाँ के बासिंदे हैं वो क्रेशर पहले लगे थे चूँकि वहाँ पट्टे थे, फिर सरकार ने पट्टे निरस्त कर दिए थे, जब से क्रेशर तो बंद हैं, लेकिन यदि प्लांट चल रहा है तो हम उसको दिखवा के कार्रवाई करवा देंगे। क्या सर, यदि अभी चल रहा है तो वो अवैध माना जाएगा? हाँ, यदि ये परमिशन नहीं है तो अवैध है। ठीक ना।